नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी दृष्टि पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा ने जल्दबाजी में कांग्रेस के दृष्टि पत्र को कॉपी पेस्ट किया है। AICC के सचिव पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि जो पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट तक नहीं बना सकती, ऐसी पार्टी से विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दो टुकड़े कर दिए। भाजपा की वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजनीति की भेंट चढ़ गई है। सुधीर ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनाव में भाजपा नेताओं द्वारा लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार की जांच करवाने के दावा करने वाली भाजपा सरकार तो अब खुद ही जाने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी शालीनता के साथ चुनाव लड़ा है और दबाव की राजनीति कभी नहीं की, जबकि भाजपा के लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। सबसे पहले तो धर्मशाला की जनता का धन्यवाद किया है जिस शांतिपूर्वक माहौल में ये चुनाव हुआ, और 7 तारीख को परसों मतदान होगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ आए, मंत्री यहाँ आए, उन्होंने जो दबाव की राजनीति और लोगों को धमकाने की राजनीति की है, उसका जवाब धर्मशाला की जनता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके देगी। सर, आपने बोला कि दृष्टि पत्र पहले आपने निकाला है और अन्य फार्मूला में उनको भी निकालना पड़ा और उसमें भी बहुत गलती, तो क्या कहेंगे उसके? इसी से पता चलता है कि इनके पास किसी प्रकार की दृष्टि नहीं है धर्मशाला के लिए, और जो विजन डॉक्यूमेंट लाए हैं वो भी आनन फानन में बनाया है जिससे कि कोई दिलचस्पी ही ना हो। तो जो दृष्टि पत्र ऐसा लाएंगे वो क्या न्याय धर्मशाला के विकास के साथ करेंगे? केंद्रीय मंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में आरोप लगाए हैं कि जो नगर निगम में पैसा है वो खर्च ही नहीं किया गया, करोड़ों रुपए अनस्पेंड रहा, उसको लेके क्या कहेंगे? उनका निराधार है पूरा आरोप, और अगर उन्होंने कोई धनराशि भेजी है, पैसा भेजा है, तो उसको सार्वजनिक करें। सर, उन्होंने भी कहा है कि फेक और झूठी राजनीति जो है वो कांग्रेस का। देखिए, इसका तो पूरा का पूरा जो डॉक्टरेट है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, ऊपर से लेकर के नीचे तक झूठ बोलने का। वो तो कल को ये भी कह देंगे कि सृष्टि की संरचना ही उन लोगों ने की है, तो हम मान थोड़ी लेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्मार्ट सिटी को लेकर डायरेक्टर निशाना साधा है आपके कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और स्मार्ट सिटी जो देन है वो केंद्र सरकार की थी, इस वजह से धर्मशाला स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी जो है, ये जब स्मार्ट सिटी मिशन आया तो प्रतिस्पर्धा के चलते जो है शहर चुने गए हैं, कोई खैरात नहीं आई है किसी भी सरकार की तरफ से। और दूसरा, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम उन्हीं के कारण रुका। ये वही थे जिन्होंने कहा कि देरा जाएगी और यहाँ नहीं बन पाएगी, और बार बार यहाँ की भूमि को रिजेक्ट करवाया गया। इसका मुख्य कारण वही है जो कहते हैं कि हम नहीं बना पाए, लेकिन उनके ये सपने पूरे नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े प्रोजेक्ट जो है कांग्रेस ने धर्मशाला में नहीं आने दिए, रोड अटकाए, इवन कि बहुत बड़े इंटरनेशनल मैचों के इवेंट में भी कांग्रेस ने अड़ंगे अड़ाए, इसको लेके कहते हैं। उसका जो निर्णय है वो मैच सरकारें तो कराती नहीं, ना कांग्रेस पार्टी करवाती है। BCCI का अधिकार क्षेत्र है, उसमें वो खुद बैठे हैं। हमारे भला से वो रोज मैच करवाएं, रोज फायदा हो धर्मशाला को, हम स्वागत करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दृष्टि पत्र ही नाम का एक अपना घोषणा पत्र नगर निगम के लिए दिया। वो दृष्टि पत्र भी हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर और सुधीर शर्मा जी ने पहले जारी किया, उसकी कॉपी पेस्ट करके दे दिया। तो उन्हें नकलची नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी अपनी सोच उसमें प्रदर्शित नहीं हो रही है। कांग्रेस की सोच है कि धर्मशाला का विकास हो, पर्यटन की दृष्टि से ऊपर उठे, और जो धर्मशाला को स्मार्ट सिटी कांग्रेस ने बनाया वो संदर्भ में आगे बढ़ा गया। कॉरपोरेशन को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा करा दिया है और कहा है कि कोई भी काम जो है कॉरपोरेशन में नहीं हुए, बहुत सारा पैसा नहीं खर्च किया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, चुनावों के समय ही भ्रष्टाचार याद आता है। कुछ करके भी दिखाइए, कुछ FIR दर्ज कीजिए, कुछ कराइए तो सही। झूठ बोलकर लोगों को चुनावों के समय बुलगा कर ये राजनीति अब ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली। सर, ट्रिपल इंजन की सरकार भी उन्होंने बोला कि अब जो अगर डबल इंजन की सरकार तो पहले ही चली हुई है, अगर यहाँ पे नगर निगम बन जाता है भाजपा का तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। देखिए, डबल इंजन जो है वो फेल हो चुका है, किसी की ब्रेक फेल हो चुकी है,
किसी की इंजन ओवरऑल करने की जरूरत है। अब ट्रिपल इंजन की जो बात अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं, वो पहले अपनी मांग देहरा यूनिवर्सिटी में जो बार बार रोते रोते कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जगह को, जो देहरा में जगह है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर कर दो, आज तक क्यों नहीं हुई? जब जयराम ठाकुर जी देहरा आए थे तो उनके मंच पर उन्होंने कहा था। तो ये सरकार कार्य करने में असफल रही है, इनकी नीति और कार्यक्रम अलग से है। निश्चित तौर पर ये जब चुनाव आते हैं तो आरोप लगाते हैं, हमने तो कार्य सिद्ध करके दिखाए। नगर निगम हमने बनाई, स्मार्ट सिटी हमारे पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी ने बनाई, दूसरी राजधानी सुधीर जी ने बनाई, किसने नहीं बनाया? हमने तो कार्य किए हैं, और जब सरकार आएगी तो धर्मशाला में और कार्य करेंगे, इसमें क्या दो राय है? आप क्या कर रहे हैं 3.5 साल से, हम सवाल आपसे पूछते हैं। सरकार पूरी तरह से दावा कर रही है कि वही जो है वो शहरी निकायों के चुनाव जीतने वाले हैं, आप लोग कितने आश्वस्त हैं? देखिए, उनके दावे खोखले 7 तारीख को साबित होंगे। जनता का रुझान परिवर्तन चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में भी परिवर्तन किया जाए, राज्य में परिवर्तन किया जाए, और धर्मशाला में फिर से नगर निगम कांग्रेस की बने। प्रदेश के बाकी हिस्सों में? प्रदेश के मैं क्योंकि यहाँ का प्रभारी हूँ और मेरे को जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है, तो हम पालमपुर में चुनाव जीतेंगे, हम थोड़ा हमारे सोलन में हम चुनाव जीतेंगे, थोड़ी बहुत चुनौती जो है वो हमें मंडी में, बाकी जगह तो हम साफ ही नज़र आ रहे हैं।